And so this is how a weigh bridge essentially weighs. Now taking you ahead, अब आप लोग ने कई लोग ने सुना होगा विच वे ब्रिज टू बाय, पिट टाइप और पिटलेस, दो तरीके के वे ब्रिजेस जनरली आप लोग ने सुना होगा। अब ये वे ब्रिजेस होते कैसे हैं, लेट्स सी। सो ये पिछले वाली स्लाइड में मैंने जो आपको पिक्चर दिखाई थी, ये वो पिक्चर है, खाली थोड़ी एनलार्ज की भी आप देख सकते हो। यहां पर ग्राउंड लेवल करके लिखा है, ये मतलब कि आपका जो फैक्ट्री है या जो जगह है जहां आप वे ब्रिज लगा रहे हो, कांटा लगा रहे हो, उसका ग्राउंड लेवल, फिनिश ग्राउंड लेवल ये है। अब आप देख रहे हो स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर इसके साथ मिला हुआ है, इसका मतलब ये पिट टाइप वे ब्रिज है। पिट का मतलब होता है गड्ढा, अब गड्ढा करके ये वे ब्रिज ग्राउंड लेवल तक लगाया गया है। दिस इज व्हाट अ पिट टाइप वे ब्रिज इज। नाउ दिस इज अ पिटलेस वे ब्रिज। एक्सक्यूज मी फॉर माय पिक्चर्स आर गोइंग टू बी बेटर लेटर, बट ये एक पिलर रहा और ये रहा ग्राउंड लेवल। आप देख रहे हो ग्राउंड लेवल के ऊपर ये स्ट्रक्चर आ रहा है। ये स्ट्रक्चर ऊपर आने से यहां पर हमें आरसीसी रैंप्स बनाने पड़ रहे हैं, तो यहां पर ये रैंप बनने की जरूरत है। ये हो गया एक पिटलेस वे ब्रिज। तो यहां ये आप देख सकते हो, एसेंशियली मैं आपको समझा देता हूं, ये ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर स्ट्रक्चर लगता है तो उसको बोलते हैं पिटलेस वे ब्रिज, और ग्राउंड लेवल के नीचे अगर स्ट्रक्चर लगता है और ग्राउंड लेवल पे उसका टॉप खत्म होता है, उसको बोलते हैं पिट टाइप वे ब्रिज। अब ये कैसे डिसाइड करें कि आपको कौन सा लगाना चाहिए, लेट्स गेट टू दैट। So, जो फाइव फैक्टर्स है, फर्स्ट फैक्टर होता है साइट का लोकेशन। अब आपकी लोकेशन कहाँ है, आपका उस पर लैंड का कंडीशन काफी डिपेंड करता है। क्या आप पानी के बगल में हैं, या आपके जमीन में बहुत भराट है, या आपका लोकेशन पत्थर टाइप का लोकेशन में है, जैसे अगर आप पहाड़ों पे हो या आप बीच के साइड में हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है कि कौन सा डिसीजन लिया जाए। स्पेस की अवेलेबिलिटी, जैसे आपने देखा तो आपका ये रैंप रिक्वायर्ड है पिटलेस के अंदर, और यहाँ कोई रैंप की जरूरत नहीं है, तो स्पेस अगर आपके पास ज्यादा हो तो आप पिटलेस ले पाओगे, वरना आपको पिट टाइप के ले जाना पड़ता है। पोजीशनिंग ऑफ द वे ब्रिज, अगर आप आज गाड़ी बहुत चिंत करते हैं कि ये उनका फैक्ट्री का या जगह का गेट है और इस गेट के पीछे ही वे ब्रिज लगाते हैं, तो वहां से रैंप चालू करना एक बहुत सजेस्टेड सी बात नहीं है, क्योंकि वहां पर फिर आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो अगर आप गेट के सामने लगा रहे हो, आप दूर में लगा रहे हो, कि आपके पास डेजिग्नेटेड एरिया है उस वे ब्रिज को लगाने के लिए, पोजीशनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से वाले टाइप के लिए जाना चाहिए। लैंड की कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि समझ लीजिए, जैसे अगर अपने बात करें कोई ऐसा लैंड जहां पर 2 फीट 2 मीटर भराई की हुई है फ्लाई ऐश की या कोई चीज की, और कोई ऐसा लैंड जहां पर बहुत पानी का कंटेंट है और उसमें भराट है, और एक ऐसा लैंड जहां पर बहुत पत्थर और माइनिंग का एरिया है, तो जो पत्थर और माइनिंग का एरिया है वो लैंड की कंडीशन के अंदर आपको बहुत मुश्किलात आएगी पिट टाइप वे ब्रिज लगाने में। तो अकॉर्डिंगली आपके लैंड की कंडीशन पे डिपेंड करता है आप पिट टाइप लगाएंगे। आई विल सजेस्ट जो भी yes, thank you. Getting back, I will again get back to the last and the fifth point, which is water logging. जैसे आपने देखा, this is about water logging. So, water logging problem is a very basic problem जो हर इंसान को आता है, which is one second. Yeah. So, the water logging problem is something which will, in a pit type wave bridge, essentially, आपका ये ग्राउंड लेवल हुआ, ये ग्राउंड लेवल के ऊपर अगर आपके पानी अंदर घुस के यहां पानी जमता है, तो आपका लोड सेल जल ये गीला होने का और मॉइस्चर कंटेंट आने का उसमें प्रोबेबिलिटी रहता है। अगर आपका उसमें प्रोबेबिलिटी से पानी घुस जाए या प्रॉब्लम हो जाए, या यहाँ कीदड़ या काचा, एनी काइंड ऑफ मड, एनी काइंड ऑफ कचड़ा, एनीथिंग हो जाए, तो आपको कई प्रॉब्लम आती है। तो जहां पर वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम होता है, जो अपना फिफ्थ पॉइंट है, उसको लेके आपको पिटलेस वे ब्रिज के लिए जाना चाहिए। लेकिन अब इसका डाउन साइड है, आपके पास स्पेस ज्यादा होना चाहिए। तो दीज आर स्मॉल फाइव फैक्टर्स एंड एन इंट्रोडक्शन टू व्हाट इज अ पिट टाइप एंड व्हाट इज अ पिटलेस वे ब्रिज, और आपको लगाना कौन सा चाहिए।